बोलो दुर्गा माता की जय। आज नवें अध्याय और 10वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। तो नवा अध्याय, राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध कर रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अतः मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए वो सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने से शंभु और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा और उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ और अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी की से घोर युद्ध होने लगा। वो दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण कर फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों से की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। ऋषभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचती हुई देखकर देवी ने अपने प्रक्षुप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने से निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए। यह देखकर दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गए और देवी के सामने और जल जल भुन गए और देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर दिया। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर दिया। इसके पश्चात वो फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया और अपने पराक्रमी भाई निशुंभ से इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वो रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे से शब्द से जो कि संपूर्ण दैत्य सेना की तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों को मार को मद चूर कर कर चूर चूर हो जाता है। आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछल कर काली ने अपने दांतों और हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसे ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया जिसे सुनकर वो दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़े क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट खड़ा रह कहकर कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहाँ आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी जिसे आते देखकर देवी ने अपने महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोकों व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के जोड़े बाणों को देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल
से मारा तो वो मूर्ति होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वो धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों और बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले चंडिका को तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला और फिर उसने त्रिशूल से हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महाप्रकर्मी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया और अभी वो निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपने तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और तदंतर सिंह दहाल दहाल कर असुरों को भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के कमंडल से जल में कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े पराक्रमियों को कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री ने कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। नवा अध्याय समाप्तम। दसवां अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, आपने अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा। शुंभ दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दोस्त, देख, मैं तो अकेली हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके अनुसार ब्रह्माणी और आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अकेली ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है, अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेघा ने कहा, जब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी और शुंभ में भयानक युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को देखकर सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े थे उसको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से काट दिया। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को धड़ दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर दिया। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वो देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया। रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वो भयंकर मुग्धर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्धर को भी काट डाला। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर जोर से मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिरा, किंतु तुरंत ही वो उठ खड़ा हुआ। फिर वो देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहाँ जाकर दोनों में युद्ध होने लगा।
वो युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही, फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्टात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा, तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में विदीर्ण करके उसकी पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होकर होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, दर्पण और पृथ्वी सब कांपने लगे, पर्वत सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया और आकाश निर्मल हो गया। पहले तो उत्पात सूचक मेघ और उत्पात उल्कापात होते थे, वो सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियाँ और ठीक मार्ग में बहने लगीं। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वनियाँ सुंदर गाना गाने लगीं, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, पवित्र वायु चलने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। तब चारों दिशाओं में शांति फैल गई। दसवां अध्याय समाप्तम। बोलो दुर्गा माता की जय। दे सभी देवी देवताओं की जय हो, जय हो, जय हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, माँ सबका कल्याण हो। जय हो, जय हो, जय हो।